आज हम लोग बी एल सी बैगन के बारे में जानेंगे। तो बी एल सी बैगन मतलब बी एल सी बैगन क्या है? तो बोगी लो प्लेटफॉर्म फ्लैट बैगन है, जिसका यूज़ कंटेनर कैरिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आईएसओ कंटेनर को कैरिंग किया जाता है। आईएसओ कंटेनर जो है, अगर इंटरनेशनली कंटेनर भेजा जाता है तो उसका लेंथ 40 फीट होता है, और इनलैंड अगर कंटेनर यूज हो रहा है तो 20 फीट होता है। ब्रीथ जो है 24-38 mm होगा, और हाइट हाइट जो है, अगर 40 फीट वाला कंटेनर है उसका हाइट 28-96 mm, और 20 फीट वाला कंटेनर का हाइट 25-93 mm होता है। तो बी एल सी वैगन लाने के पीछे का रीज़न क्या है? तो पहले जो है बी एफ के आई वैगन यूज होता था कंटेनर को मूवमेंट के लिए। जब आई एस ओ कंटेनर आया, तो आई एस ओ कंटेनर जब बी एफ के आई वैगन पर लोड किया गया, तो इसका ओवरऑल डायमेंशन जो है 400 सॉरी ओवरऑल डायमेंशन 254 mm टॉप साइड में बढ़ गया, जिससे कि आप कोई ओडेसी की तरह बिहेव करने लगा, जिसमें हमको स्पीड रिडक्शन करने का ज़रूरत पड़ गया, जिससे कि कंटेनर के मूवमेंट में स्पीड रिडक्शन करना पड़ गया। और दूसरा क्या है कि अब स्पेशल वेल वैगन बनाया गया है। तो उसमें क्या है कि उसको तो मूव हम लोग कर रहे थे नन ओडिसी की तरह, लेकिन इसमें दिक्कत है कि इसमें 1.5 मीटर सीबीसी कपलिंग के लिए दोनों साइड लेंथ बढ़ाना पड़ गया, जिससे ओवरऑल 3 मीटर लेंथ वैगन का बढ़ गया, जिससे जो टोटल नंबर ऑफ वैगन ये रैक 42 था, वो रिड्यूस होके 38 रैक 38 वैगन ही एक रैक में लगने लग गया, जिससे कि अर्निंग अर्निंग पावर में अर्निंग कैपेसिटी में लॉसेस हो गया। तो इस सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बी एल सी वैगन जो है रोल में आया। बी एल सी वैगन में ऐसे कंटेनर लोड किया गया है नॉन ओडीसी की तरह, इसको हम लोग विदाउट स्पीड रिडक्शन से रन कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर ऑफ वैगन 45 नंबर ऑफ वैगन हम लोग एक रैक में यूज करते हैं। दिस वैगन आर मैन्युफैक्चर इन मल्टीपल यूनिट विथ लो फ्लोर हाइट एट द सेंटर। एक एक मल्टीपल एक यूनिट में 5 वैगन रहते हैं, जिसमें आपका 2 A कार वैगन रहेगा और 3 B कार रहेगा, दोनों आगे और पीछे में 1 कार रहेगा, और बीच में 3 वैगन बी कार रहेगा। तो आईएसओ कंटेनर एंड रेज इन फैसिलिटी टू कपलिंग ऑफ इंड जो है रेज रहता है और सेंटर में डाउन रहता है। इंड रेज इसलिए रहता है कि लोको के साथ कपलिंग आसानी से हो सके, ब्रेक भार के साथ हो सके। ए कार बी कार के बारे में बात करे थे, तो यही ए कार जो है आपका जो है यहाँ और यहाँ लास्ट में 1 कार रहेगा, 3 B कार रहेगा। तो स्पेशल फीचर ऑफ वैगन के बारे में बात करें, तो बी एल सी वैगन के बारे में, तो बी एल सी वैगन डिजाइन किया गया है टू कैरी आई एस ओ कंटेनर विथ हाइट ऑफ 28-96 mm एज ए नॉन ओडीसी लोड। दिस वैगन आर मैन्युफैक्चर इन मल्टीपल यूनिट, ईच यूनिट कंजिस्ट ऑफ 2 A कार इन एट इंड एंड 3 B कार। तो बफर हाइट जो है ए कार का 11105 एक इंड में होता है, 845 दूसरा इंड में होता है। बी कार का बफर हाइट दोनों इंड में जो है 845 होता है। आउटर इंड ऑफ ए कार इज प्रोवाइडेड विथ ARCBC कपलर होता है, और दूसरा एंड में इनर एंड में जो है सेलेक्ट फ्री कपलर होता है। बी कार में दोनों एंड में सेलेक्ट फ्री कपलर होते हैं। अगर इसके व्हील डायर की बात करें, तो व्हील का डायमीटर 840 होता है, कंडेम जो है 780 mm पे होता है। और बी एल सी बैगन में लोड सेंसिंग डिवाइस यूज करते हैं, जो 2 स्टेट ब्रेकिंग है, जो मैक्सिमम प्रेशर 2.2 kg/cm² देता है जब वेट 40 टन से कम होता है, और 3.8 kg/cm² देता है जब क्रूज लोड 40 टन से एक्सीड कर जाता है। इसमें जो बोगी यूज होता है वो LCCF20C बोगी यूज होते हैं, और इस पहले स्प्रिंग लोडेड साइड बियर इसमें यूज होता था। स्प्रिंग लोडेड साइड बियर बियर जो है डिजाइन करने का मेन पर्पस ये है कि इम्पर टेयर लोड में 90% लोड ये कंटेन सस्टेन करते थे।
पर बीएलसी वैगन में जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होता है, जो 8 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इसमें होता है, ये लॉक ये जो है कंटेनर को वैगन से लॉक कर देता है। इसको लॉक करने के लिए 600 kgf फोर्स की ज़रूरत होता है और लॉक करने के लिए 1000 kgf फोर्स की ज़रूरत हो। फ्लोर हाइट अगर बीएलसी वैगन का रेल लेवल से देखें तो 1009 1009 mm हो जाता है, और स्टैंडर्ड ऐसे 1269 mm होता है। इसका परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड 100 km/h है। फॉर्मेशन बताया जाए कि इसका फॉर्मेशन 9 मल्टीपल यूनिट 45 वैगन एक रैक में रहेगा, और एक यूनिट का लेंथ लगभग 69 मीटर हो अप्रोक्सीमेटली होता है। यही बेलसी वैगन की कुछ बातें थी। अभी हम लोग स्लग फ्री कपलर के बारे में बात कर रहे थे कि जो ए कार के वन यूनिट में रहता है और बी कार के दोनों यूनिट में रहता है। तो ए कार का बफर रेट हम लोग जानते हैं कि 1105 mm वन साइड में रहता है, दूसरा साइड में 845 mm। बी कार का दोनों साइड में 845 mm बफर हाइट रहता है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन बफर हाइट में डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, ए कार बी कार में बफर हाइट में डिफरेंस होने के कारण जो ड्राफ्ट फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसमिशन जो है सेम लाइन में लाइन नहीं करेगा। तो दोनों सेम लाइन में लाइन नहीं करेगा तो दोनों के बीच में जो है इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। तो ड्राफ्ट फोर्स लाइन में जो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी आने के कारण क्या हो जाएगा कि व्हील जब अचानक से अट्रैक्टिव फोर्स और बफिंग फोर्स लगाया जाएगा तो व्हील जो है ऑफ लोडिंग हो जाएगा। तो व्हील ऑफ लोड होने से डरेलमेंट का केस हो सकता है। तो दिस सडन लोड इज मेनली, जो ये सडन लोड आ कैसे रहा, ड्यू टू एक्सेसिव स्लैक अवेलेबल इन स्टैंडर्ड एयर। ए स्टैंडर्ड एयर कपलर में एक्सेसिव स्लैक होता है जिसके कारण जो है सडन लोड आपका सीबीसी पे आता है तो ऑफलोडिंग का केस हो जाता है। तो ये जो शॉक लोड जो है जो कपलर पे एक्टिंग करता है इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जो एक्सेसिव स्लैक है उसको रिड्यूस करके। तो इसीलिए इस स्लैक को रिड्यूस कैसे करेंगे, तो इस स्लैक को रिड्यूस करने के लिए जो है स्लैकलेस कपलर जो इंट्रोड्यूस किया गया है बीएलसी वैगन में, एट वन एंड ऑफ ए कार एंड बी कार का दोनों एंड में। ये देखिए ड्राफ्ट फोर्स इसेंट्रिसिटी है जिसके कारण ऑफ लोड और फील हो सकता है, इसलिए हम लोग स्लैक फ्री कपलर को इंट्रोड्यूस किए बीएलसी वैगन में। बीएलसी वैगन का कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो बीएलसी वैगन जो उसका मटेरियल ट्रॉली का मटेरियल जो होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है। जो ट्रॉली इसमें कौन सा ट्रॉली यूज होता है, LCCF20C ट्रॉली यूज होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। व्हील डाया अभी देखे थे 840 mm, और कंडेमिंग है 780 mm पे। जो हम लोग बोगी इसमें यूज कर रहे हैं LCCF20C, इसका साइड फ्रेम और रेल लेवल के बीच का हाइट जो है 786 mm होता है। कितना होता है, 786 mm। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इसमें 8 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होते हैं, जो 600 kg पे लॉक होता है और 1000 kg पे खुलता है, लिफ्ट होता है। चार साइड बैरियर इसमें यूज होंगे और लोड सेंसिंग डिवाइस इसमें यूज होता है। अगर ए डायमेंशन ऑफ बी एफ के आई जो फ्लैट वैगन है इसका ए डायमेंशन पूछा जाए तो 60+2 mm, 60+-2 mm होता है, 60+-2 mm होता है ए डायमेंशन। और बी एफ के आई मैक्सिमम स्पीड इसका भी 100 km/h था। बी एल सी में जो है सेंटर पिवोट से लोड जो है 10% और 90% साइड बैरियर से लोड ट्रांसफर होता है। ए कार और बी कार अगर हम लोग लेंथ, बी कार में लेंथ ओवर द स्लैकलेस ड्रॉ बार अगर लेंथ बोले तो 12 मीटर के करीब होता है, और इसका टेयर वेट जो होता है 18.1 टन होता है, 18.1 टन होगा टेयर वेट, और जो है 12 मीटर के लगभग स्लैकलेस कपलर टू स्लैकलेस कपलर बी कार का लेंथ होगा। वही ए कार में जो है कपलर टू कपलर जो लेंथ 14.5 मीटर के करीब होगा, अगर हेड टू हेड बोले तो 13.5 मीटर के करीब होगा, और टेयर वेट जो एक कार का थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 टन ज़्यादा होगा, 19.1 टन होगा।
और अगर अब ये किया था कि स्टैंडर्ड हाइट जो है बीएलसी वैगन का प्लेटफॉर्म रेल लेवल से कितना होगा, तो 1009 mm होता है। और एक्सल लोड कैपेसिटी कितना होता है, 20.32 टन होता है। एक्सल लोड कैपेसिटी 20.2, व्हील बेस 2000 होगा। और बोगी सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है 96-75 mm होगा। डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर, बीएलसी में बोगी सेंटर के बीच का डिस्टेंस 96-75 होता है, 96-75 mm। रैक कैरी कैपेसिटी अभी देखे थे 9 यूनिट यूज होता है, यानी 1 यूनिट में 5 होता है, तो 9×5=45 वैगन एक रैक में होगा। साइड बैरियर जो इसमें होता है वो स्प्रिंग लोडेड साइड बैरियर यूज होता है। बोगी LCC F20C बोगी जो है कास्ट स्टील बोगी टाइप होता है यूज होगा। और कपलिंग इसमें CBC और स्लैकलेस ड्रा कपलिंग यूज होता है। और लोडिंग कैपेसिटी ऑफ कंटेनर भी बीएलसी वैगन तो वो 40 फिट का एक, अगर लोड होगा तो 40 फिट का एक होगा, नहीं तो दो होगा, तो 20 20 का दो, 20 फिट का दो आप कंटेनर लोड कर सकते हैं। इसमें जो बेरिंग यूज होता है टेपर टू रो कार्टिज रोलर बेरिंग होता है, टेपर टू रो कार्टिज रोलर बेरिंग यूज होता है, टेपर टू रो कार्टिज रोलर बेरिंग इसमें जो है यूज होते हैं। बीएलसी वैगन के लिए इतना काफ़ी है।